रुद्रप्रयाग में नमामि गंगे योजना के तहत 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। आपको बता दें कि 7 दिवसीय शिविर में 60 से अधिक युवक युवतियों ने नमामि गंगे योजना के तहत शिक्षा ग्रहण की। साथ ही युवाओं को स्पीयर हेड टीम प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जागरूक किया गया। इस दौरान अनेकों वक्ताओं ने अपने विचारों से युवाओं का मार्गदर्शन किया। वहीं कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी ने युवाओं को गंगा नदी के अवतरित होने से लेकर गंगा के अनेकों नामों की जानकारी दी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। जैसे अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोग आए थे और जिन्होंने हमें स्वच्छता के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में जो आजकल चल रहा है, अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोगों ने हमें बहुत ही जागरूक किया। और जो हमारा थीम था नमामि गंगे, उसमें लोगों ने हमें जागरूक को कैसे स्वच्छ रखना चाहिए उस बारे में सिखाया गया। और यहाँ हर दिन, मतलब जैसे हमारे सेक्शन चलते थे तो अलग अलग वक्ता आते थे और वो अलग अलग शिक्षा देते थे, जैसे कि पर्यावरण, गंगा पे, और हमें कूड़ा, अजैविक जैविक कूड़े कचरे के बारे में बताते थे। नमामि गंगे परियोजना के तहत संचालित ये 7 दिवसीय कार्यक्रम में युवाओं के द्वारा प्रथम दिन की अगर मैं बात करूँ तो योग से लेके और अलग अलग व्याख्यान, अलग अलग विषय के अलग अलग क्षेत्र से आए विशेषार्थियों ने इनको अपने अनुभव को साझा किया। और मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि इन सभी प्रशिक्षार्थियों ने उनसे सीखा होगा।